ਪੂਰਬੀ ਕਾਂਗੋ ਵਿੱਚ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਫੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾ ਰੁੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਕਾਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਲ ਫੰਡ ਯੂਨੀਸੇਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗੋ ਦੇ ਗੋਮਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਮਾਊਂਟ ਨੀਰਾਗੋਗੋ शनिवार नु फुट गया, जिस कारण करीब 5000 लोग गोमा शहर छड़ के चले गए, जबकि 25000 ने उत्तर पश्चिमी शहर दे विच जाके शरण ली। इस कुदरती आफत दे बाद 170 तो वध बच्चे भी लापता हो गए हैं। यूनिसेफ दे अधिकारियों का कहना है कि ओ अजिहे बच्चों की मदद दे लई कैंप लगा रहे हैं जो बच्चे इकले हैं अते जिन्हां बच्चों दे नाल कोई भी नहीं है। ज्वालामुखी पिछली बार साल 2002 दे विच फुटिया सी, जदों भी इत्थे भारी तबाही होई सी, सैकड़े लोगों की मौत हो गई सी, 1 लाख तो वधेरे लोग भी बेघर हो गए सन। अधिकारियों ने दसाया कि इस विचकार गोमा तो निकलने की कोशिश करने दौरान ट्रकों विचाले हुई टक्कर विच घट्टो घट 5 लोग भी मारे गए सन। हुण एक बार फिर एहो जिहा माहौल देखने नूं मिल रहा है, लोग बेघर हो चुके हैं, 170 तो वध बच्चे लापता हैं, किन्ने ही लोगों की मौत हो चुकी है। हुण पता नहीं कि आने वाले समय दे विच लावा किन्ना कु भयानक रूप धारण करेगा। लगातार कुदरती आफता इंसानियत दे उत्ते भारू हुंदियां जा रही ने, जिस नूं देखदे किते ना किते चिंता दा विशा जरूर बनिया होया है। इन्हां समय दे विच जरूरत है कि हुण केंद्र सरकार नूं सावधान होना पवेगा अते जिथे भी कोई कुदरती आफत वापरन दी आशंका हुंदी है उस थां नूं पहला ही सुरक्षित करन दी कोशिश कीती जावे। बिल्कुल सर, ज्योतिषिक विद्या एक एस्ट्रोलॉजर रोहित जोशी जी दा सारी दुनिया नूं खुला चैलेंज। की तुसीं जिंदगी दे किसी भी समस्या तो परेशान हो? की तुहाडे ब्याह च हो रही है देरी? की तुसीं संतान सुख तो वांझे हो? की तुहानूं मनचाहा प्यार नहीं मिल रहा? की तुसीं लगाना चाहुंदे लॉटरी दा सही नंबर? की तुहानूं नौकरी नहीं मिल रही? की तुहाडा वीजा नहीं लग रहा? की तुसीं विदेश च पक्का होना चाहुंदे हो? धन दी कमी, बीमारी तो परेशानी, घर बैठे बैठा ही कीता जाएगा तुहाडियां समस्यावां दा समाधान। फेस कम होने तो बाद इन्हां सारियां समस्यावां दे पक्के हल लई एक बार जरूर एस्ट्रोलॉजर रोहित जोशी जो करदे ने फ्री सेवा फ्री समाधान 99968 26004। We'll be right back.